हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसा आप लोग को पता है, मैं आप लोग के लिए पूरा सीरीज लेके आ रहा हूँ कि कैसे अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। इस वीडियो में जो है ना, हम बात करेंगे लास्ट स्टेप जो कि आता है कि हम एडमिशन कैसे लें, कैसे जो है ना एक करेक्ट पाथवे को चूज करें जो कि जो है ना आपका एडमिशन करा पाए, और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास जिसके थ्रू जो है ना आप एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ऑलरेडी क्राइटेरिया के बारे में और कितना बजट यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, हाउ टू सेलेक्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सब वीडियो जो है मैं डाल रखा हूँ। अगर आप नहीं देखो तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास मेनली जो है ना 4 ऑप्शंस होते हैं एब्रॉड में एडमिशन लेने का। सबसे पहले आप किसी एजेंट या फिर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। दूसरा, या तो आपका कोई रिश्तेदार हो या तो कोई फ्रेंड अगर यहाँ पर रहा उनके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तीसरा आता है, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कॉन्टेक्ट करके एडमिशन ले सकते हो। और फोर्थ ऑप्शन आता है कि आप जो है ना किसी ब्लॉगर के थ्रू, जैसे यूट्यूब पे जो वीडियोस डाल रहे हैं या तो मीन्स डेली जो है ना कांटेक्ट में है आपके, आप उनके थ्रू भी जो है ना एडमिशन ले सकते हो। ये फोर्थ। चलिए फिर मैं आप लोग को जो है ना, जो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इन सब ऑप्शंस के बारे में जो है ना मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। सबसे पहला आता है एजेंट या कंसल्टेंसी। आप कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको पता है कंसल्टेंसी का चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को कंसल्टेंसी पे विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं अभी तक, आपको पता है। लेकिन सब कंसल्टेंसी वाले ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अगर आप उनके थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जो छोटे मोटे एजेंट होते हैं, जैसे कि जो लोकल एजेंट हैं, अगर आप उनके थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। रिलेशन या कोई फ्रेंड, ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई रिलेशन या फिर अगर आपका कोई दोस्त अगर अब्रॉड में पढ़ रहा है, तो इन चारों ऑप्शन में से अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना सेकेंड ही है, क्योंकि जो भी रिश्तेदार है, जो भी फ्रेंड है, वो ऑलरेडी अब्रॉड में पढ़ रहा है, वो आपको अच्छा सजेशन देंगे कि हाँ मेरा एडमिशन यहाँ हो चुका है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, और जो भी प्रोसेस होगा उसमें गाइड करेंगे आप। कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिलता है कि कोई एजेंट फीस लेके भाग गया, किसी का फीस पे नहीं किया। तो अगर आप किसी रिश्तेदार या फिर किसी रिलेशन वालों के थ्रू एडमिशन लोगे तो आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो है ना आपको अच्छे से गाइड करेंगे, इवन फी कैसे पे करना सब कुछ आपको बताएंगे। तो थर्ड ऑप्शन आता है कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करके एडमिशन लेना। तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करके एडमिशन लेना, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं एडमिशन लेने में, जैसे वीज़ा भी लगवाना, इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, और उसके बाद फिर एयरपोर्ट रिसीविंग, एयरपोर्ट पिकअप, और आप पहली बार आ रहे हो तो ये सब प्रोसेस आप पूरा कैसे करोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बस आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी, वो भी अगर आप यूनिवर्सिटी को आज मेल करोगे तो मेल का रिप्लाई 10 दिन बाद आएगा। तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इन केस ऑफ मेडिकल। अगर आप किसी और कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, MBBS छोड़ के, मेडिकल छोड़ के, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, थोड़ा यूनिवर्सिटी अगर लेट इनविटेशन लेटर वगैरह भेज रही है तो चलेगा, लेकिन मेडिकल में जो है ना जल्दी जो है ना डायरेक्ट एडमिशन यूनिवर्सिटी जो है एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि डायरेक्ट एडमिशन भी एक्सेप्ट करती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास आता है ब्लॉगर स्टूडेंट, जो ब्लॉग वगैरह डालते हैं यूट्यूब पे उनके थ्रू, जैसे मैं ब्लॉग डालता हूँ, तो ये भी जो है एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैं भी पिछले 5 साल से देखा हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना मेरे थ्रू भी कॉन्टैक्ट करके एडमिशन लिए हैं। आप ऑलरेडी जाके देख सकते हो वीडियो, काफ़ी सारे वीडियोज़ जो है ना मेरे देख सकते हो, मेरे यूट्यूब पर जो है ना काफ़ी सारे वीडियोज़ पड़े हैं स्टूडेंट फीडबैक के। लेकिन जो ब्लॉगर स्टूडेंट होते हैं उनमें भी जो है ना आपको अच्छे से पहचान करना पड़ेगा कि कौन अच्छे हैं, कौन रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई 10 वीडियो डाल दिया, कोई 2 वीडियो डाल दिया और आप उनके थ्रू एडमिशन ले लो। पता है ये पूरा प्रोसेस और पूरा एडमिशन जो है ये सब विश्वास का ही खेल है। आपका जिस पे विश्वास जम गया ना, आप उन्हीं के थ्रू एडमिशन लोगे, क्योंकि ये जो है ना आपके फ्यूचर का सवाल है। तो इतना जल्दी विश्वास किसी पे नहीं होता, और जिस पे विश्वास जम जाता है ना तो उसके बारे में कुछ भी बोल दो, विश्वास उसके ऊपर रहता है तब तक जब तक वो सामने वाला बंदा जो है ना आपका विश्वास तोड़ ना दे। अगर विश्वास तोड़ेगा तभी जो है ना उसके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है ना किसके ऊपर विश्वास हो रहा है। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए वो सेकेंड वाला है। अगर कोई रिश्तेदार, अगर कोई फ्रेंड पर रहा है तो उनके थ्रू लो, अगर वो नहीं है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में तो अगर किसी ब्लॉगर स्टूडेंट के कांटेक्ट में हो, अगर उनसे अच्छा बातचीत हो रहा है, मैं देखो
वीडियोस वगैरह देख के ही पता लग जाता है कि स्टूडेंट कैसा है, अपना ये रेगुलर बेसिस पे अपना काम कर रहा है कि नहीं, वर्कआउट कर रहा है कि नहीं। अगर उन पे विश्वास है तो उनसे लो, नहीं तो आपके पास ऑप्शन तो है ही कंसल्टेंसी का। आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जो भी अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अब्रॉड आना चाहते हैं, उनका जो है ना हेल्प हो जाएगा।